चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। रुड़की क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका परिचय कैसे दिया जाए? भारतवर्ष के सबसे पुराने सैन्य छावनियों में एक, 1847 में निर्मित देश का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की का स्वामी, उत्तराखंड राज्य के 8 नगर निगमों में एक एवं 3,35,000 की विशाल जनसंख्या के साथ उत्तराखंड राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर, UK 17 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत नगर रुड़की। तो आइए रुड़की शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं रेलवे स्टेशन रुड़की से। रुड़की रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य के 5 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में एक है। सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून समेत यहाँ दिल्ली, पंजाब, जम्मू एवं उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों को अनेकों रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही उत्तर की ओर जाने वाली 2 सड़कें रुड़की शहर में प्रवेश करती हैं। उत्तर पूर्व की सड़क नया रेलवे रोड एवं उत्तर की ओर मुख्य सड़क पुराना रेलवे रोड के रूप में जानी जाती है। यह सड़क गणेश चौक से होकर मालवीय चौक पर पहुंचती है। मालवीय चौक शहर के बेहद व्यस्त चौराहों में एक है। यहाँ दक्षिण पूर्व की सड़क शिवाजी चौक होकर रुड़की छावनी की ओर एवं उत्तर की सड़क BSM कॉलेज मार्ग के रूप में जानी जाती है। रुड़की शहर में वर्तमान में 3,35,000 की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। इसका नगरीय क्षेत्र रुड़की नगर निगम समेत आसपास सटी कई ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है। यह उत्तराखंड राज्य में देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी के पश्चात चौथा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। BSM कॉलेज मार्ग उत्तर की ओर बढ़ते हुए BSM तिराहा पर पहुंचता है। इस स्थान से उत्तर की ओर पुराना रेलवे रोड शहर के पुराने भागों की ओर एवं उत्तर पूर्व की सड़क देहरादून मार्ग के रूप में रामनगर चौक की ओर बढ़ जाती है। देहरादून मार्ग शहर के सबसे विकसित सड़कों में एक है। 1803 में अंग्रेजों द्वारा जिला प्रणाली लागू करने पर रुड़की को हरिद्वार समेत सहारनपुर जनपद में जोड़ा गया। 1840 में गंग नहर का निर्माण होने पर रुड़की में विकास होना प्रारंभ हुआ। यहाँ IIT, उपजिला कारागार एवं सैन्य छावनी का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। रुड़की को उस समय सहारनपुर जनपद की एक तहसील के रूप में ही जाना जाता था। रुड़की तहसील से ही विभाजित करके हरिद्वार, लक्सर एवं भगवानपुर तहसीलों का निर्माण किया गया। आजाद नगर चौक, उपजिला कारागार, सिविल कोर्ट से होकर देहरादून रोड उत्तर की ओर घूमकर रामनगर चौक पर पहुंचता है। यह चौराहा आधुनिक रुड़की का मुख्य चौराहा है। यहाँ पश्चिम की ओर रामनगर एवं सलेमपुर राजपूतान एवं पूर्व में सड़क मकतूलपुरी होकर पुराना रेलवे रोड से जुड़ जाती है। रामनगर चौक से देहरादून रोड उत्तर की ओर बढ़ जाता है। 1988 में हरिद्वार जनपद का गठन होने पर रुड़की को हरिद्वार जनपद की एक तहसील के रूप में जाना गया। नवंबर 2000 में उत्तराखंड के राज्य गठन होने पर रुड़की शहर को हरिद्वार जनपद समेत उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। ईदगाह, चौराहा आदि से गुजरते हुए देहरादून मार्ग रामपुर चुंगी पर पहुंचता है। रामपुर चुंगी मुख्य चौराहा से देहरादून मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर घूमकर भगवानपुर, देहरादून, सहारनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों की ओर प्रस्थान कर जाता है। रामपुर चुंगी से पूर्व में मुख्य बाजार की ओर प्रवेश किया जाता है। ईदगाह मोड़ से आगे पूर्व की ओर मुख्य बाजार बेहद भीड़भाड़ वाला क्षेत्र बन जाता है। यहाँ चौक बाजार चौराहा स्थित है, जहाँ से दक्षिण में पुरानी अनाज मंडी में प्रवेश किया जाता है। पुरानी अनाज मंडी दक्षिण की ओर पुराना रेलवे रोड के रूप में KLDAV इंटर कॉलेज एवं महाविद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेज आदि से होते हुए BSM चौक की ओर निकल जाता है। चौक बाजार चौराहा से पूर्व में एक और मुख्य चौराहा पुरानी सब्जी मंडी स्थित है। पुरानी सब्जी मंडी चौक से दक्षिण में आर्य समाज रोड भी शहर के बेहद व्यस्त बाजारों में एक है। यह बाजार आर्य कन्या इंटर कॉलेज, नेहरू स्टेडियम, कबाड़ी बाजार आदि से होकर पुराना रेलवे रोड से जुड़ जाता है। मेन बाजार अपने पूर्वी छोर पर गंग नहर के सेतु को पार करके नगर निगम चौराहा पर पहुंचता है। नगर निगम चौराहा पर रुड़की नगर निगम का प्रशासनिक कार्यालय भी स्थापित है। गंग नहर पर सुंदर घाटों का निर्माण किया गया है।
यह नहर वर्तमान में रुड़की शहर के मध्य से होकर गुजरती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से प्रारंभ होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग में सिंचाई हेतु प्रयोग में लाई जाती है। नगर निगम चौराहा से उत्तर की सड़क पीरान कलियर की ओर एवं पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क मलकपुर चुंगी से जुड़ती है। मलकपुर चुंगी से दक्षिण में सिविल लाइन्स मेरठ मार्ग एवं उत्तर पूर्व में जाने वाली सड़क हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर जाती है। नगर निगम चौराहा से दक्षिण में चंद कदमों की दूरी पर ही एक और महत्वपूर्ण चौराहा महावीर चौक स्थित है। महावीर चौक से पूर्व में प्रेम मंदिर मार्ग एवं दक्षिण पश्चिम में नहर किनारे वाली सड़क महाराजा अग्रसेन चौक की ओर जाती है। पश्चिम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेतु द्वारा बीटीगंज बाजार में प्रवेश किया जाता है, जो पश्चिम में आर्य समाज रोड से जुड़ जाता है। महावीर चौक से दक्षिण में जाने वाली सड़क सिविल लाइन्स के मुख्य बाजार के रूप में पहचानी जाती है। इस मार्ग पर दोनों ओर अनेकों ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम एवं आधुनिक प्रतिष्ठान कतारबद्ध नजर आते हैं। रुड़की शहर में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। कानून व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु रुड़की शहर को 3 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली रुड़की शहर, कोतवाली सिविल लाइन्स एवं कोतवाली गंग नहर में विभाजित किया गया है। सिविल लाइन्स मेन बाजार दक्षिणी छोर पर सिविल लाइन्स चौराहा पर मेरठ रोड से जुड़ जाता है। रेलवे रोड स्थित मालवीय चौक से पूर्व की ओर आने वाली सड़क छत्रपति शिवाजी चौक एवं गंग नहर के सेतु को पार करके रुड़की छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जहां वाल्मीकि चौराहा पर मेरठ मार्ग से जुड़ती है। वाल्मीकि चौक बेहद व्यस्त चौराहों में एक है। यहां पूर्व की ओर ऐतिहासिक कानपुर द्वार स्थित है। दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर मेरठ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाती है। उत्तर की ओर जाने वाली सड़क सिविल लाइन्स क्षेत्र में प्रवेश करके IIT चौराहा, रोडवेज बस डिपो आदि से गुजरते हुए सिविल लाइन्स चौराहा आदि से होकर मलकपुर चुंगी से जुड़ जाता है। रुड़की शहर में पूर्व समय में 4 सिनेमाघर भी संचालित होते थे, जिनका स्थान अब मल्टीप्लेक्सों ने ले लिया है। रुड़की जैसे ऐतिहासिक एवं विकसित शहर को कैमरे में कैद करना बेहद सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। रुड़की शहर पर बना यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो रुड़की शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।